कोरोना महामारी की भयावह तस्वीरें आप देश भर से देख रहे हैं। अब हम आपको बेंगलुरु की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से बेंगलुरु, वो शहर जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे ऊपर आता है, वहाँ पर कोरोना महामारी किस तरह से फैल चुकी है। पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं करीब 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये शमशान घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये बनशंकरी क्रेमेटोरियम की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ पर अगर हम आपको गिन कर दिखाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी एक शमशान घाट में अभी के लिए आपको बताएं तो करीब 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। परिजनों को करीब 15 से 20 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर बकायदा एक कोटोकन सिस्टम बनाया गया है कि लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे हालात आपको बनशंकरी क्रेमेटोरियम इस वक्त दिखाई देंगे, और जितने भी बेंगलुरु के क्रेमेटोरियम हैं वहाँ पर इसी तरह से एम्बुलेंस की कतार आपको दिखाई देगी। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार को कहूँगी कि इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाएं, किस तरह से परिजन जो है काफ़ी परेशान है और इंतज़ार कर रहे हैं। करीब 20 घंटों तक इंतज़ार करने के बाद बारी आ रही है क्रिमेट करने की अपने परिजन को। तो साफ तौर पर ये हालात इस वक्त बेंगलुरु में भी दिखाई दे रहे हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से फैल चुकी है। हम आपको उतर कर तस्वीरें फ़िलहाल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें बेंगलुरु शहर की है, जहां पर एम्बुलेंस को इस तरह से घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है, और लगातार दिन ब दिन जो है कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी कई अस्पतालों में सामने आ रही है, और लगातार सरकार जो है वो दावा कर रही है कि तमाम स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कर्नाटक की सरकार ने भी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है ऑक्सीजन सप्लाई के को लेकर, लेकिन फिलहाल अस्पतालों में बेड की कमी दिखाई दे रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर शमशान घाट की बात करें तो इस तरह से इन एम्बुलेंस की तस्वीरें आपको हर क्रेमेटोरियम में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।